हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ हैं जाने माने बागवानी और कीट विज्ञान विशेषज्ञ प्रोफेसर एसपी भारद्वाज। प्रोफेसर भारद्वाज, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातें बहुत करनी है, बागवानी के बारे में जानना है। हिमाचल प्रदेश बागवानी प्रधान राज्य है, ये सब जानेंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं आपके अपने बारे में, आपका जन्म, परिवार, शिक्षा और कार्यक्षेत्र। मेरा जन्म 1949 में फरवरी 26 को सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश में हुआ जी। वहीं मैंने 11वीं तक शिक्षा प्राप्त की, तो मैं नॉन मेडिकल का स्टूडेंट रहा और साइंस में मेरी कुदरती वैसे ही झुकाव, शुरू में झुकाव रहा। मेरे पिताजी स्कूल टीचर थे और वो हिंदी संस्कृत पढ़ाते थे, पर मुझे हिंदी संस्कृत के अलावा विज्ञान में रुचि बहुत अच्छी थी, मतलब अधिक थी। तो उसी वजह से फिर मैंने इसी प्रोफेशन में आने के लिए बीएससी कहाँ से बीएससी मैंने तब हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट होता था सोलन में, वहाँ 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम ज्वाइन किया। एमएससी भी फिर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की, लेकिन कॉलेज वही था, और 1972 में मैंने एमएससी एंटोमोलॉजी में कम्प्लीट की। फिर डॉक्टरेट में आ गए, फिर मैंने पीएचडी की, और पीएचडी फिर मैंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो हमारी बन गई थी, बाद में फिर ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर बनी, तो हमें डिग्री पालमपुर से मिली। तो जॉब में कब आए प्रोफेसर भारद्वाज? जॉब में मैं एमएससी के बाद आ गया था। मैंने डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जनवरी 1973 में ज्वाइन किया, और मैं 29 अप्रैल 1975 तक मैंने डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में डिस्ट्रिक्ट शिमला में एज प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर रहा। उसके बाद मुझे, क्योंकि वहाँ कुछ रिसर्च की तरफ मेरा थोड़ा रुझान था जी, तो रिसर्च में उस विभाग में इतना कार्य नहीं था, वहाँ सिर्फ एक्सटेंशन का ही था, विस्तार कार्यक्रम होता था। तो मैंने फिर यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दी और मैं यूनिवर्सिटी में आ गया। फिर उस वक्त हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी होती थी, बाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर, और उसके बाद डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन में मैं फिर 2009 तक कार्यरत रहा। प्रोफेसर कब हो गए थे? मैं प्रोफेसर हुआ 1995 में, मैं 14 साल प्रोफेसर रहा। प्रोफेसर, आप लंबा अरसा शिमला के पास मशोबरा में जी, जो परमार विश्वविद्यालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च स्टेशन है, वहाँ कार्यरत रहे जी। जहाँ तक मुझे याद है वो आपका स्वर्णिम युग रहा। और आप सैकड़ों, हजारों, लाखों किसानों, बागवानों से जुड़े। बिल्कुल। वो अनुभव कैसा रहा? बहुत आनंदमयी, बहुत ही आनंददायक और बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि जो भी हम रिसर्च करते हैं, कोई कार्य करते हैं, जब तक वो असल में खेत में लोगों के पास नहीं पहुंचता, तो उस कार्य को सिर्फ हम रिसर्च पेपर में और किसी किताब में या किसी थीसिस में ही बाइंड करके रख देते हैं। तो वो मेरी नज़र में वो एक कार्य है जो उसमें भी होना चाहिए, लेकिन असली जो उसका, जिसके लिए हम कर रहे हैं, जब तक वो वहाँ तक ना पहुँचे, तब तक उस रिसर्च की या उस शोध कार्य की, विश्वविद्यालय से अनुसंधान जी, अगर खेत खलिहान और बाग बगीचे में नहीं पहुंचे, तो उसका कोई मायने नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हुई हैं, ये एकेडमिक यूनिवर्सिटी नहीं है, मतलब ये यूनिवर्सिटीज़ हैं खेत खलिहानों की और अप्लाइड साइंसेज को प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ का एस्टेब्लिशमेंट की गई है। तो ये जब तक हमारी शिकायत आज भी यही रहती है कि अनुसंधान जो हो रहा है वो लेबॉरेटरी में ही हो रहा है, वो बाग बगीचे में नहीं पहुंच रहा है या खेत खलिहान में नहीं पहुंच रहा है, ऐसा क्यों कहते हैं? ये बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि बहुत बहुत कम साइंटिस्ट हैं जो अपनी लैब से बाहर खेत में कदम रखने की क्षमता रखते हैं या हिम्मत रखते हैं। क्योंकि बाहर जब आप निकलते हैं तो हम तो बहुत सीखते हैं, हमारे जितने भी फार्मर हैं, जितने भी हमारे किसान बागवान हैं, उनको साइंस बेस्ड एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनको प्रैक्टिकली या फील्ड बेस्ड एक्सपीरियंस बहुत है। तो वो बात तो वही करते हैं बहुत बार जो हम उसको वैज्ञानिक विधि से कर देते हैं। वैज्ञानिक यदि खेत में नहीं जाएगा, बगीचे में नहीं जाएगा, तब कैसे चलेगा? असल में जो पर्पज़ है, जिस उद्देश्य के लिए इन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, तो वो डिफीट होती हुई दिखती है। आपने उस समय उसको चुनौती माना एक? हाँ, मैंने उसको चुनौती नहीं माना, मैंने अपॉर्चुनिटी माना कि अपॉर्चुनिटी है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है कि लोगों से, जो मेरे पास, मुझे जाने की आवश्यकता नहीं थी, मेरे पास खुद इतने लोग आते थे, फिर वो कहते थे कि हमारे बाग बगीचों में आओ। तो हमने, क्योंकि सरकार में, विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के भी बहुत सी स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स हम इम्प्लीमेंट करते थे, होती भी थी। आत्मा प्रोजेक्ट आया और भी कई प्रोजेक्ट थे, लैब टू लैंड था शुरू में,
बाद में IVLP प्रोजेक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से, तो वो प्रोजेक्ट जो थे वो इसीलिए थे कि खेत खलिहान में जाके जो भी कार्य इन लेबोरेटरीज़ में हुआ है वो फार्मर तक पहुँचे और उसका उनको लाभ मिले, ताकि हमारी जो वैज्ञानिक विधि है वो सोच बदली जाए और खर्चा कम हो और आमदन अच्छी हो, और सबसे बड़ी बात जो क्वालिटी में, जो गुणवत्ता हम जिस चीज़ को कहते हैं उसमें गुणात्मक सुधार हो। यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद प्रोफेसर भारद्वाज के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहेगा हमारे साथ। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालने से फिर तो मित्र कीट भी मरते होंगे। सबसे पहले मित्र कीट मरते हैं, इस यही कारण है कि माइट जो समस्या नहीं थी वो समस्या का भयंकर रूप बनके अब नंबर वन पे आ गई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रोफेसर भारद्वाज जी, अब आपसे जानते हैं हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ के बारे में, यानी सेब के बारे में। इस फल को लेकर आगे क्या है, भविष्य क्या है, कृपया बताइए। अगर हम बात करें विश्व के स्तर पे, तो इस वक्त चीन जो है लगभग 35% सेब जितना भी उगाया जा रहा है विश्व में वो चीन उगा रहा है, और हमारा जो स्थान है वो 10वां है। 10वें में हम लगभग कोई 2.5% जो सेब है वो हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और जो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो भी राज्य हैं, थोड़े बहुत जो भी हैं, वो उगा करके हम लगभग 2.5% उगा रहे हैं। ये हमें फ़ायदा मिल रहा है हिमालय के नज़दीक होने का, और हिमालय के नज़दीक होने का मतलब उसमें फिर ठंड और हमारी ऊंचाई पर स्थित होने का। तो हम जैसे हिमाचल प्रदेश है तो हम ट्रू जिसको कह सकते हैं टेम्परेट जोन में नहीं है। टेम्परेट जोन में जो एरिया है वो है जम्मू कश्मीर, लेकिन हमें इसका फ़ायदा मिल रहा है और इसी वजह से हमारे लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो तो कहते हैं हिमाचल एप्पल इज़ द बेस्ट, बिल्कुल है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और क्योंकि वो लोगों की मेहनत के कारण है, वो बहुत मेहनत करते हैं। एक चीज़ बताइए, एप्पल की जब बात होती है, सेब की बात होती है, तो याद आता है रॉयल। क्या रॉयल ही अब रहेगा या विकल्प और भी बहुत आ गए हैं, स्पर वराइटीज़? बहुत पहले ये होता था, जो स्टोक साहब ने भी यहाँ लाया, वो स्टार किंग डिलीशियस के नाम से लाया था, वो रॉयल डिलीशियस ही था जो यहाँ रॉयल के नाम से मशहूर हुआ। तो ये अमेरिकन वैरायटीज़ हैं, लेकिन इसकी जो अन्य जो अब बहुत इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ आ गई हैं, जैसे उसमें मतलब हमारे बहुत वैरायटीज़ हैं, ऑर्गन्स पर है, वांस डिलीशियस है, और भी हैं कई, सुपर जो कि सुपर चीफ है, रेड चीफ है, ये सारे जो हैं डिसेंडेंट्स इन्हीं के हैं। और इनकी जो खासियत है, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो लाल सेब मांगता है अधिकतर, लेकिन सेब के तो कई रंग हैं, हरा भी है, पीला भी है, लाल भी है, पिंक भी है, लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली कहूँगा, क्योंकि विश्व में कहीं ऐसी रंग के आधार पे सेब की डिमांड नहीं है, केवल हमारे भारतवर्ष को छोड़ के। तो उस सिग्नल को जब तक लोगों को इतनी समझ नहीं आती कि रंग जो है इतना अधिक रोल नहीं अदा करता इसमें, अगर हरे रंग का अगर आप सेब खाएंगे, जैसे ग्रेनी स्मिथ है, तो वो तो हमारी स्टोन फॉर्मेशन को भी नहीं होने देता बॉडी में, और बहुत अच्छा पोलनाइजर है। तो इनमें विकल्प बहुत हैं और वैरायटीज़ बहुत आ रही हैं, जैसे रेड फ्यूजी वैरायटी। बागवान को मैक्सिमम फ़ायदा कैसे हो, लाभान्वित कैसे हो, बागवान सरकारी नौकरी की तरफ ना भागें, अगर सेब को अपनाते हैं या डाइवर्सिफाई करते हैं हॉर्टिकल्चर को, वो ज़रा बताइए। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन है तो विद इन क्रॉप है, सेब की हम 3-4 किस्में पहले लगा सकते हैं, स्पर वैरायटीज की बात कर रहे हैं, तो जैसे स्पर वैरायटीज हैं, इवन गाला ग्रुप है जो हम उसको लगा सकते हैं, साथ में फ्यूजी ग्रुप है, फ्यूजी की भी बहुत ग्रुप्स हैं, मतलब इसमें हम लगा सकते हैं। चाइना से जितना सेब आ रहा है वो रेड फ्यूजी है, देखिए आप उसकी कीपिंग क्वालिटी बहुत है, जिसको हम लिखते हैं डब्बे के बाहर क्रिस्प एंड क्रंची, तो वो असली सेब तो या तो ग्रेनी स्मिथ है या फिर रेड फ्यूजी है, तो जो कि और उसका जो हम बड़े लंबे समय तक उसको हम स्टोरेज में रख सकते हैं। सेब एक ऐसा फल है जिसको हम 6 महीने तक बड़े आराम से रख सकते हैं। एक बात और हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। जी जी, ये क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब? सारे जितनी भी हम खाद या कोई कीटनाशक, क्योंकि सेब में पौधों के साथ साथ बहुत सी समस्याएं, जैसे रेड माइट यहाँ पहले होती नहीं थी, बहुत कम तादाद में थी, अब इतनी ज़्यादा है कि रेड माइट आपने, जैसे मैंने आपसे अभी भी वर्णन किया, जैसे हम लेंस से हम देख के बता देते हैं कि रेड माइट आ रही है, तो ये लेंस एक तो होना ज़रूरी है फार्मर के पास अश्योर करने के लिए है, और ये नंबर वन प्रॉब्लम बन गई। अब इसलिए हुई कि इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे जो है बहुत अधिक किया जा रहा है, वो तो सेहत के लिए भी हानिकारक है, कंज्यूमर्स हैं, बिल्कुल हानिकारक है, लेकिन
कीड़ों के जो मित्र कीट हैं, जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जो प्रेडेटर्स एंड पैरासाइट हैं, वो मरते हैं एक्चुअली। वो जब मर जाते हैं तो जितनी हमारी माइट्स हैं, जो भी कीड़ा है, उसको खाने वाला कोई नहीं रहता। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालने से फिर तो मित्र कीट भी मरते होंगे। सबसे पहले मित्र कीट मरते हैं। इस यही कारण है कि माइट जो समस्या नहीं थी, वो समस्या का भयंकर रूप बन के अब नंबर वन पे आ गई है। वूली एफिड है, अभी तक कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। स्केल है, वो भी हमें दिखता है। बोरर्स हैं, ये आते हैं। तो इनके लिए बागवानों को कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन अगर समय रहते, अगर वो पहचान लें कि क्या समस्याएं हैं और कैसे निदान, तो उसको हम कम से कम कीटनाशक का प्रयोग करके भी उसको समाप्त कर किया जा सकता है। और उसकी पॉपुलेशन, जैसे फार्मर्स में एक कंसेप्ट है कि ज़ीरो टॉलरेंस है, कि भी हमें एक भी कीड़ा दिखे ना। लेकिन वो प्राकृतिक जीव हैं, उनमें से एक, दो या चार का फ़र्क नहीं पड़ता। वापस लौटते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। जी जी जी, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें कीटनाशकों का प्रयोग बिल्कुल बंद करना होगा। जो ये हमारी सिक्किम का उदाहरण ले लीजिए, 78,000 हेक्टेयर भूमि पर जी हाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। हिमाचल में क्यों नहीं? बिल्कुल, तो प्रदेश है, जैसे पहाड़ी राज्य है, हिमालय राज्य। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे हमारा किन्नौर का क्षेत्र है, वहाँ बहुत कम छिड़काव होते हैं कीटनाशकों के और फफूंदनाशकों के। एक तो वहाँ की आबोहवा, अभी स्पीति है, लाहौल स्पीति है, उसमें बहुत कम होता है। हमारा शिमला ज़िला, जिसमें सबसे अधिक उत्पादन होता है, यहाँ क्योंकि बारिशें बहुत अधिक होती हैं, तो यहाँ कीट और बीमारी का प्रकोप जो है अधिक होता है। इसके लिए उनको फंजीसाइड, लेकिन उसको भी हम कम से कम आधा भी कर सकते हैं। आधा हम कैसे कर सकते हैं? कुछ तो हम प्राकृतिक जो हमारे पास अपने उपचार हैं, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे गोमूत्र है, जैसे हमारे पास राख है, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। राख के डालने से हमारे बोरर्स नहीं आते, जो हमारे रूट बोरर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें अगर इसी को, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को भी अपनाएं, तो उससे हम इन जो हमारे जो शत्रु कीट हैं, उनसे हम बहुत दूर रह सकते। बोरर तो मैंने देखा है, यहाँ से जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा पौधा। और जो बोरर भी हैं, जो खास करके रूट बोरर्स हैं, वो तो 3.5 साल ज़मीन में रहता है और बड़े से बड़े पेड़ को धराशायी करने में सक्षम है। तो वो अकेला कीड़ा, और उसकी जो मादा है वो 400 अंडों को देती है। तो हम जैसे गोबर वगैरह डालते हैं, तो उसको ढकते नहीं है। तो जो मादा है वो उस गोबर के लिए, क्योंकि उसके बच्चों के लिए वो भोजन है, तो वो मादा उन अंडों को उन गोबर में डालती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्लांट के लिए भी अच्छी है, आबो हवा के लिए अच्छी है, सबके लिए अच्छी है, और सबसे बड़ी बात इंसान के लिए अच्छी है, क्योंकि उससे हमें कीटनाशक नहीं होगा। और ये जो बहुत से रोग हैं, जैसे हमारा कैंसर है, बहुत से ऐसे रोग हैं, बालों का जल्दी झड़ना, आँखों का कमज़ोरी हो जाना, किडनीज के फंक्शन है, रेस्पिरेटरी फंक्शन है, पल्मोनेट्री वगैरह जितनी डिजीजेज, ये भी इनका बहुत है, स्किन डिजीजेज है। बागवानों को हम प्रेरित कैसे करें इस खेती की ओर? इसमें बहुत से बागवान तो प्रेरित हुए भी हैं, जैसे बहुत से लोग केंचुआ खाद को अपना रहे हैं, गोबर से केंचुआ खाद बना रहे हैं और उनको अपना रहे हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, वो आ रही है इंसेक्टिसाइड्स के प्रयोग में कमी करने की। अभी तक लोग जो हैं वो पुराने, क्योंकि बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो आती हैं, वो कहती हैं कि हमारे अगर आप उसको प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका ये समस्या हल नहीं होगी। लेकिन बागवानों को इस चीज़ की पहचान करनी होगी कि हमारे बाग में क्या समस्या है, पहले तो वो देखें, और समस्या के आधार पर निदान की ओर अग्रसर हों। क्योंकि अगर निदान हम बिना सोचे समझे, जैसे मैंने बागीचे में मुख्य तौर से ये होता है कि आज किसी ने एक स्प्रे शुरू किया, दूसरे वाला भी शुरू कर देता है, वहाँ पे भेड़ चाल हो जाती है, वो गलत हो जाता है। तो हमें देख के कि मेरे बाग में क्या समस्या है, और मेरी समस्याओं के आधार पे ही हमें जो समाधान का निदान करना है, मतलब हाँ समाधान उसी के आधार पर। और उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह हम धीरे धीरे आ सकते हैं, और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि इस पर ना किया जा सके। यहाँ लेते हैं एक और छोटा सा विराम, हम तुरंत लौटते हैं और प्रोफेसर भारद्वाज से जानेंगे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, यानी फसल विविधीकरण के बारे में। आप सेब में भी डिफरेंट वैरायटीज की आजकल बात कर रहे हैं। जी जी, और स्पर वैरायटीज की बात कर रहे हैं। ये जो स्पर वैरायटीज हैं, ये ऐसी हैं कि ये रंग में भी बेहतर हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रोफेसर भारद्वाज, सेब की हम बात कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा और कई बार हमने देखा कि सेब फेल हो रहा है, फसल की दिक्कत हो रही है, मौसम कई बार इस तरह कर रहा है कि बेरुखी मौसम की जिसको हम कहते हैं, ऐसा हो जाता है,
تو پھر ڈائیورسیفیکیشن کی طرف سوچنا پڑے گا. وہ کون سے پھل, وہ کون سی فصلیں ہو سکتی ہیں؟ ڈائیورسیفیکیشن تو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. پہلی بات تو ہے کہ جیسے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ سیب کے اندر بھی ڈائیورسیفیکیشن, اور وہ قسمیں جن کی مارکیٹ میں بہت ویلیو ہے اور جو لمبے سمے تک ٹکتی ہیں, ایسی فصلیں خاص کر کے سیب میں جیسی ورائٹیز. اور دوسرے سیب سے باہر آ کر کے جیسے ہمارا ناشپاتی ہے, اس کی بہت اچھی قسمیں ہیں جو کہ ورائٹیز ہیں اور جو کہ بہت اچھا پیسہ ہمارے باغبانوں کو دے رہی ہیں. اس کے علاوہ ہیزل نٹ ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس پیکن نٹ ہے, وہ بہت اچھی مطلب ہمارے مدھیہ پروتی کھیتر کے لیے ایک جس کو کہہ سکتے ہیں بڑی آمدنی والی قسم. بادام ہے, ہرے بادام بھی ہیں, اخروٹ ہیں, اور نیکٹرین ہے. نیکٹرین کی بھی ڈیمانڈ ہمارے بڑے بڑے شہروں میں بہت زیادہ ہے. مان لیجیے سیب فیل ہو گیا تو یہ فصلیں بالکل کسان باغبان کو. جی ہاں, سیب میں بھی ابھی فیل ہونے کی سمبھاونا تو نہیں ہے, سیچوریشن جیسے آپ نے کہا نہیں آتا کہ بار کے اس بار بہت کم ہوگا. وہ تو موسم کی بے رخی کے کارن ہوتا ہے, جیسے مان لیجیے ٹھنڈ اتنی زیادہ پڑ گئی کہ, یا پھر ہماری جو پولینیشن پرسنٹیج ہے وہ بڑی کم ہے. آپ سیب میں بھی ڈفرینٹ ورائٹیز کی آج کل بات کر رہے ہیں. جی جی, اور سپر ورائٹیز کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں, اور کیوں, کیسا ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ جو ہماری پرانی ورائٹیز تھی وہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ ایک سمے میں ہی پک کے تیار ہو جاتی تھی اور مارکیٹ میں گلٹ ہو جاتا تھا, اور سبھی کے سبھی باغوانوں کو وہ ساری کی ساری ورائٹیز ایک سمے پہ لیبر کی پرابلم, روڈ کی پرابلم, اور پھر مارکیٹ میں گلٹ کی پرابلم ہو جاتا, اور مارکیٹ بالکل اس میں ان کو پیسہ نہیں ملتا تھا. یہ جو سپر ورائٹیز ہیں یہ ایسی ہیں کہ یہ رنگ میں بھی بہتر ہیں, اس کا رنگ بہت اچھا ہے, اور یہ ٹکتی بھی بہتر ہیں, اور یہ سیب کی اس گلٹ والی پرابلم کو کافی حد تک یہ سالو کرتی ہیں. چلیے سیب کی بات کر لی. جی جی, ہماچل پردیش وبھن ایسے کھیتروں میں پھیلا ہوا ہے جہاں ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے, بہت کم ہے, کولڈ ڈیزرٹس بھی ہیں, برف بہت پڑتی ہے, اونچے اونچے پہاڑ ہیں, مدھم علاقے ہیں, فٹ ہلز ہیں, تھوڑے بہت ترائی والے علاقے بھی ہیں, تو وودھتائیں ہیں واتاورن میں بالکل, اور بھوگولک درشٹی سے بھی. پھر ایسے میں ہماچل پردیش میں آم بھی ہے, لیچی بھی ہے, اور نیمبو پرجاتی کے پھل بھی ہیں, بالکل امرود بھی ہے. جی, ان کا بھوشیہ کیسے, کیونکہ اگر ہم سنتولت وکاس سمان وکاس پردیش کا چاہتے ہیں تو ان کھیتروں میں بھی تو باغوانوں کو فائدہ ہونا چاہیے, کیا کہیں گے؟ بالکل, جیسے آملا ہے, اب آملا کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے لیکن وہ آرگنائزڈ وے میں نہیں ہو رہا ہے, جو بھی آملا لگا رہا ہے وہ ایک بڑے سیمت کھیتر میں ہیں, دو چار پھل مطلب پودے اس نے لگا رکھے ہیں. تو جیسے اب آپ اس کو دیکھیں, جیسے ہمارا آم ہے, آم کی ہماری فصل جتنے بھی ہمارے سے ہمیرپور یا جو دوسرے کھیتر ہیں کانگڑا ہے ان میں یا سرمور کا کھیتر, آم بیچارہ فراسٹ سے پیڑت ہے. ہاں, فراسٹ سے پیڑت ہے, لیکن وہ کبھی کبھار آتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا پھل ہے جب ہم اس کو یہ مارکیٹ میں آتا ہے تو اس وقت کوئی آم ہوتا ہی نہیں ہے, تو اس کو بڑے لمبے سمے, کیونکہ ہمارے مارکیٹ میں آم اس سمے آتا ہے جب دیش سے کے سبھی بھاگوں میں جہاں آم اگایا جاتا ہے وہاں آم سماپت ہو چکا ہوتا ہے. نچلے کھیتروں میں کیسے آرگنائز اور مینیج کیا جائے سب؟ اس کے لیے تو آپ دیکھیں, ایک تو جو ہماری پود ہے وہ ایسی جگہ سے آنی چاہیے, سویکرت جو ہماری نرسریز ہیں پود شالائیں اس سے ہونی چاہیے, اور ایسا سورس ہونی چاہیے جس میں ورائٹی کی شت پرتیشت گارنٹی ہو, اور وہ اس ایریا کے لیے اس کھیتر کے لیے سب سے سوٹیبل ورائٹی ہو. مطلب یہ نہیں کہ ہم دیکھا دیکھی میں آٹھ دس ورائٹیز ویسے لگا دیں اور اس میں مطلب ان کو اگائیں جو ہمارے کھیتر میں آلریڈی, یا مطلب اس کے لیے یونیورسٹیز ہوتی ہیں. دیکھیے جی, میں آپ کی بات کاٹتا ہوں, ایک چیز بتائیے, ایپل پہ مڑتا ہوں, پروڈکشن 10 سے 12 میٹرک ٹن ہماچل پردیش میں, ودیشوں میں 55-60 میٹرک ٹن, یہ کیوں؟ کیا ہمارے ویگیانکوں نے ہماچل پردیش میں کچھ نہیں کیا یا دیش میں کچھ نہیں کیا؟ نہیں, اس کے لیے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہاں جو ہماری جو پروڈکشن ہے وہ 11-12 نہیں ہے. اگر آپ باغبانی کے استر پہ اندر جا کے دیکھیں گے تو ہماری 55 تو نہیں ہے نا, نہیں 55 نہیں ہے لیکن اس سے دگنی ہے, میں بتاؤں 23-35-40 ہے. جو ہماری پیٹی ہے آپ دیکھیں گے وہ بڑھا کے یہ بھرتے ہیں, مطلب جس میں ایک ٹرے ویسے اتار دیتے ہیں, مطلب چار پیٹیوں کے پیچھے پانچویں پیٹی جو ہے وہ لدانی لے لیتا ہے. اچھا, آپ نے مارکیٹنگ کی بات بھی کرنے شروع کی. جی جی, اچھا دوسرے جو ویٹ ہے, دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی فروٹ بکتا ہے, یہ سیب بکتا ہے وزن کے حساب سے, لیکن ہمارا جو یہ فروٹ ہے
ये बिकता है पेटी के हिसाब से, तो पेटी में वज़न बहुत होता है, 30-32 किलो पेटी होती है, उसको हमारे सरकारी आंकड़ों के हिसाब से उसको अभी 20 किलो तक ही लिया जा रहा है। तो जब तक इस का आंकलन भी कम से कम 25-28 किलो जब आप लेंगे तो उसकी प्रोडक्शन अपने आप बढ़ गई है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े लेने का जो ढंग है वो उसमें भी कमियाँ हैं। अच्छा, कुछ चोरी छिपे भी जाता है कई बार बॉर्डर से होकर के पीछे जाता है हर ट्रक की। अच्छा, ट्रक ओवरलोड होते हैं। चलिए बताइए, प्रोडक्शन हो गया मान लीजिए, जी जी, मार्केटिंग में बागवान ठगा जाता है, किसी फल की बात कर लें, बिचौलिए बहुत पैसा खा रहे हैं, बिल्कुल इसके बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, ये और एक बात और, आप तो साइंटिस्ट हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ये भी बड़ा लाजमी है, तो इसके लिए आपके विश्वविद्यालय क्या करते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जितना हम जो भी फ्रूट को ले रहे हैं वो जो फ्रूट है वो हम ले रहे हैं सिर्फ टेबल पर्पसेस के लिए। दुनिया में ऐसा कोई फ्रूट नहीं होता जिसकी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक या टेक्नोलॉजी को विकसित ना किया गया हो। यहाँ ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें कमियाँ रही हैं, और इस दिशा में प्रदेश के जितने भी हमारे बागवानी विश्वविद्यालय हैं या जो हमारे साइंसदान हैं उनको इस बात को नोट करके हमारी जो नई तकनीक और जो हमारी मतलब प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में सहायता करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। हिमाचल के सेब को आज सबसे बड़ी क्या चुनौती है? सबसे बड़ी चुनौती जो है वो मौसम की बेरुखी है, सबसे पहली बात तो ये है। जैसे आप देखते हैं कई बार बर्फ़ समय पर नहीं आती, लेकिन यहाँ जो अच्छी बात है वो ये कि जो शीत के जो हमें घंटे जिसको हम कहते हैं चिलिंग आवर्स, तो वो चिलिंग आवर्स फॉर्चुनेटली मीट आउट होते हैं। अगर चिलिंग आवर ना हो तो हमारी एक तो एरेटिक फ्लावरिंग होगी तो प्रोडक्शन में बहुत कमी आने के जो है वो चांसेस हो जाते हैं। दूसरी जो चुनौती है वो है अधिक पेस्टिसाइड्स और फंजीसाइड्स का यूज़ और अधिक फर्टिलाइज़र का यूज बिना देखे, जैसे 12-32-16 खाद डाल रहे हैं, अभी आलू की खाद है, ये सेब की है ही नहीं, उससे क्या हो रहा है कि जो हमारे ज़मीन में जितने भी पोषक तत्व हैं वो पौधे पर पहुँच ही नहीं पाते। आप हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में गए हैं जी, बागीचों में आप घूमते रहते हैं, ऐसी क्या समस्या है सबसे बड़ी जिससे बागबान पार नहीं पा रहे? सबसे बड़ी समस्या है विश्वास की। एक तो आपस में विश्वास नहीं है। अच्छा, जो हम बागवानों को बताते हैं वो बुरा नहीं मानना, वो एक दूसरे को नहीं बताते। अच्छा, अगर वो दूसरे को बता देता तो वो पहले वाला बागवान बता रहा है, दूसरे वाला उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। और तीसरी बात है वो देखा देखी में काम कर रहे हैं, और देखा देखी में साइंस नहीं होती। हमें जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि जितने भी समस्याएं बगीचे की या हमारे बाग की उसको आइडेंटिफाई करना ये बहुत ज़रूरी है। बागवानों को पता होना चाहिए कि मुख्य मेरी ये समस्या है और उसी को एड्रेस करें, और कुछ जो अपने जो घरेलू या जो हमारे अपने ग्रामीण स्तर पे जो उपाय हैं या जो हम बड़े आराम से कर सकते हैं ट्रेडिशनल हैं उनको अपनाना चाहिए। और हमारी ढलान वाली खेती है उसमें तो हमें बिल्कुल पानी की हमें सबसे बड़ी यहाँ समस्या है, तो पानी के लिए भी हम जैसे हमारी स्लोप्स हैं, स्लोप्स में भी हम थोड़े थोड़े कहीं गड्ढे बना करके 10-20 भी अगर कहीं कुछ कुछ ज़्यादा करने की वाटर हार्वेस्टिंग करें तो कम से कम वो पानी जो है ज़मीन में जाएगा और उसी बगीचे को मिलेगा। भारद्वाज जी, आपने ETV के साथ खास बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह प्रदेश के बागवानों के हित देखेंगे, साझा करेंगे और समाधान भी निकालते रहेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए ETV न्यूज़।